हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ दो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें शेयर करने वाली हूँ। पहली कि जब भी हम नकली इयररिंग्स पहनते हैं तो हमारे कान में इजीली नहीं जाता है, क्योंकि हमारे कान का होल छोटा होता है और वो बहुत मुश्किल लगती है, बहुत हमें पेन होता है। तो आप उसे इजीली कैसे वो हमारे छेद के अंदर चला जाए, उसके लिए आप क्या करोगे, वो ट्रिक मैं आपको बताऊंगी। और दूसरा, मैं आपके साथ ये शेयर करने वाली हूँ कि जब भी हम नकली इयररिंग पहनते हैं कोई भी ओकेशन पे, कोई भी फंक्शन पे, और उसके बाद जब हम उसे उतारते हैं तो हमारा कान बहुत दर्द करता है, हमारे कान में स्वेलिंग हो जाती है, हमारे कान के आसपास पीप भर जाते हैं, वो इन्फेक्टेड हो जाता है और एक लेयर जम जाती है हमारे कान के छेद के ऊपर, और कभी कभी तो हमारा छेद भी बंद हो जाता है। तो आपको उससे बचने के लिए क्या करना है, ये दोनों चीजें मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगी। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। लेट्स मूव ऑन द वीडियो। अगर आप कभी कभी नकली इयररिंग पहनते हो किसी ओकेशन पे तो आपके कान में इजीली नहीं जाता होगा, और जाता भी होगा तो बहुत आपको दर्द होता होगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको लेना है थोड़ा सा कोकोनट ऑयल, आप आलमंड ऑयल कोई सा भी ऑयल ले सकते हो, उसे ज़रा सा अपना फिंगर टिप पे लेना है, और फिंगर टिप पे लेने के बाद आपका जहाँ कान का छेद होता है उसके आगे और आपको पीछे लगा लेना है। बेसिकली ये ऑयल है ये जो छेद में जाना चाहिए, कान पे लग जाए तो भी कोई बात नहीं। और इसके बाद 5 मिनट बाद जब आप अपने इयररिंग पहनोगे तो पहले के कंपेयर में बहुत ही ईजिली अंदर चले जाएंगे और आपको ज़्यादा पेन भी नहीं होगा। तो आप अपने फेवरेट इयररिंग अपनी ओकेशन, शादी, पार्टी, कहीं पर भी बहुत इजीली पहन सकते हो पहले के कंपेयर में। नेक्स्ट क्या होता है कि इयररिंग पहन तो लिया, लेकिन हम कभी कभी ही इयररिंग पहनते हैं तो इससे हमारे कान में इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं, हमारा कान बहुत दर्द करता है, हमारे कान में रेडनेस आ जाती है, और कभी कभी तो एक गंदी सी लेयर जम जाती है हमारे कान के छेद के ऊपर, वो बहुत बेकार होता है और हमारा पूरा कान ख़राब हो जाता है उससे। अगर आप कभी कभी पहनते हो, मैं उसकी बात कर रही हूँ, मैं डेली की बात बिल्कुल नहीं कर रही हूँ। तो उसके लिए मेरे पास एक आइडिया है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको लेना है रोज़ वाटर, आप नॉर्मल वाटर भी ले सकते हो, और आपको लेना है कॉटन, और इयररिंग निकालने के बाद आपको उस जगह को अच्छे से क्लीन करना है। अगर आपके पीप निकल जाते हैं या फिर वो गंदी सी लेयर जम जाती है कान के छेद के ऊपर, तो आप दिन में 3 बार क्लीन करें, सुबह, शाम और दोपहर में। जैसे मैं कर रही हूँ वैसे आपको अच्छे से क्लीन करना है, आपको कॉटन की हेल्प से ही क्लीन करना है, हाथ से बिल्कुल क्लीन नहीं करना है। हाथ से क्लीन करो तो हैंड आपके वॉश होना चाहिए, वरना आपके इन्फेक्शन फैलने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम करेंगे होम रेमेडी। तो होम रेमेडी के लिए आपको लेना है थोड़ी सी हल्दी, अपने ईयर के हिसाब से आपको बिल्कुल थोड़ी सी हल्दी लेना है, जिसमें आप दिन में मतलब कम से कम 3 बार लगा सको, शाम, सुबह, दोपहर में। फिर आपको लेना है कोकोनट ऑयल, हमारा फिर से कोकोनट ऑयल आ गया है। और फिर आपको 1 बूंद 2 बूंद जितनी भी बूंदें चाहिए हो, मतलब ज़्यादा लिक्विड ही नहीं होना चाहिए, बस हल्का सा पेस्ट बनना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग इसमें मिला लेना है। मिलाने के बाद आपको थोड़ा सा अपने फिंगर टिप पे लेना है और आपको अपने कान के छेद के वहाँ लगाना है। हल्दी में एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ होती है, प्लस इसमें हमने डाला है कोकोनट ऑयल, तो कोकोनट ऑयल जो आपकी त्वचा है उसे मुलायम रखेगा, नरम रखेगा, और हल्दी तो सबको पता ही है एंटीसेप्टिक होता है, तो इससे आपका घाव बहुत जल्दी भर जाएगा और आपको जो भी इन्फेक्शन वगैरह की प्रॉब्लम होती है ना वो भी नहीं। अगर आपके कान का छेद जल्दी भर जाता है ना, तो ये सारी रेमेडीज़ है ये सब इयररिंग पहनकर ही करें, पता चला रेमेडीज़ के चक्कर में पूरा कान ही बर्बाद हो गया। और ये सारी प्रॉब्लम हमें जब देखने को मिलती है जब हम डेली या फिर गोल्ड या फिर सिल्वर के इयररिंग पहनते हैं, और कभी कभी ओकेशन पे नकली इयररिंग पहनते हैं। तो गाइस, ये बहुत ही अच्छा तरीका है आपके इन्फेक्टेड ईयर को ट्रीट करने का, इससे आपका जो ईयर होगा वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। गाइस, आपको यूट्यूब पे ईयर पियर्सिंग के हज़ारों वीडियो मिल जाएंगे, लेकिन मैंने आज जिस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाया है और मैंने आपको जो बताया है वो आपको पूरे यूट्यूब पे कहीं पर भी नहीं मिलेगा। तो इस वीडियो के लिए 1 लाख तो बनता है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके भी जाना, बिना सब्सक्राइब करे जाना मत। मुझे आपसे अगले वीडियो में फिर मिलना है, अगले वीडियो में मिलूंगी पक्का। थैंक्स फॉर वॉचिंग।